नमस्ते दोस्तों, बजट की रसोई में आप सभी का स्वागत है। आपने लौकी का रायता बहुत ही पसंद किया तो मैं आपके लिए एक नया तड़के वाला लौकी का रायता लाई हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आइए देखते हैं। मैंने पाव किलो लौकी ली हुई है, उसे मैंने छील लिया हुआ है। मुझे आधी लौकी की ज़रूरत है तो मैंने उसी हिसाब से आधा उसे कट कर लिया हुआ है। अब इसे हम आधा कट करके बीच में से इस तरह से जो अदरक घिसने वाला होता है उसे हम घिसेंगे इस तरह से। ये देखिए, अब घिस लिया हुआ है हमने। हम एक कढ़ाई लेंगे और कढ़ाई में एक टीस्पून तेल डालेंगे राई का और आधा टीस्पून जीरा। उसे तड़कने के बाद इसमें जो हमने घिसा हुआ लौकी है उसे मिलाएंगे और उसे ढककर हम पकाएंगे इस तरह से जब तक कि उसका सारा पानी जल ना जाए। ये देखिए, पूरा पानी जल गया है, अच्छे से पका दिया हुआ है और इसका कलर भी बदल चुका है। तो इसे हम उतार लेते हैं। ये देखिए, 150 ग्राम मैंने दही लिखा हुआ है, उसमें एक मिर्ची कटी हुई बारीक, धनिया बारीक कटी हुई और जीरा भुना हुआ। सबसे पहले दही में जो हमने भूनकर लौकी रखी हुई है उसे मिलाएंगे। ये सारी सामग्री भी इसमें ऐड करेंगे और इसमें थोड़ा सा अपने टेस्ट के अनुसार नमक और काला नमक मिलाएंगे। ये देखिए, इस तरह से इन सारी सामग्रियों को अच्छे से इसमें चम्मच की सहायता से या कलर की सहायता से आप मिला सकते हैं जो आपको सही लगे। ये देखिए, हमारा लौकी का रायता तैयार हुआ है। इसे सर्व करते हैं। ये देखिए, एकदम गाढ़ा टेस्टी बना हुआ है। लौकी के रायते को और थोड़ा टेस्टी बनाने के लिए हम इसमें तड़का लगाते हैं। एक टीस्पून सरसों का तेल, 1/4 चम्मच जीरा इसमें मिलाएंगे और तड़कने के बाद इसमें कड़ी पत्ता 3 से 4 मिलाएंगे, 2 सूखी लाल मिर्च मिलाएंगे और इसे अच्छे से भूनेंगे जब तक कि ये अच्छे से पक ना जाए। ये देखिए, इस तरह से ये पक चुकी है। अब गैस की फ्लेम को बंद करके हम लाल मिर्च डालेंगे, नहीं तो ये जल जाएगा। अब इसे हम अपने लौकी के रायते के ऊपर डालेंगे और हमारा लौकी का रायता बनकर तैयार हो गया। आप इस रायते को दाल चावल, रोटी, नहीं तो पुलाव और बिरयानी के साथ एंजॉय कर सकते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ।